एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करती है, हाँ तो 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? अच्छा, ये सवाल है तुम्हारा। तुम्हें चाल दी गई है, चाल बराबर क्या है? 40 किलोमीटर प्रति चालीस घंटे किलोमीटर प्रति घंटे और तुम्हें समय दिया गया है। क्या समय दिया गया है? 2 घंटा। घंटा तुम्हें दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है ना? देखो, इस सवाल को हम सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दीदी, सूत्र क्या है? अच्छा, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। एक बस की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक? जी और वो 2 घंटे में कुछ दूरी चल रही है, हमें वो दूरी ज्ञात करनी है। एक घंटे में चली दूरी बराबर 40 × 1 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा, ठीक? जी दो घंटे में चली दूरी बराबर 40 × 2 किलोमीटर किलोमीटर, ठीक प्रति है? 3 घंटे में चली दूरी बराबर चालीस चालीस गुणे तीन तीन किलोमीटर किलोमीटर, ठीक? इसी तरह 7 घंटे में चली दूरी बराबर 40 × 7 किलोमीटर। किलोमीटर। अच्छा, अगर हम दूरी को अगर हम दूरी को दा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? तो दा बराबर 40 × 7, ठीक? ये जी एक समीकरण हो गया। दीदी, इस समीकरण से हमें मालूम क्या पड़ता है? देखो, जो समीकरण दो या दो से अधिक अज्ञात राशियों के संबंध को बताता है, उसे हम सूत्र कहते हैं। सूत्र क्या होता है, आया समझ में? जी दीदी, लेकिन दीदी ठीक से समझ में नहीं आया। ठीक से नहीं आया? अच्छा, देखो, यदि हम दूरी को दा से दिखाएं, समय को सा से दिखाएं और चाल को चा से दिखाएं, तो दा बराबर 4 × 7, ये सूत्र हो गया। अब आया समझ में? जी दीदी, अच्छा, देखो, अगर अब हमें चाल पता है और समय पता है तो हम दूरी निकाल सकते हैं। जी दीदी, अगर हमें दूरी पता है और चाल पता है तो हम समय निकाल सकते हैं। जी दीदी, ये एक आयत है, इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है जी और इसकी चौड़ाई
2 सेंटीमीटर है जी। इसका परिमाप बताओगे? जी दीदी बताओ। परिमाप बराबर 3 धन धन 2 धन 3 धन 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाँ ये ठीक तो है, लेकिन हम इसे ही सूत्र की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखो अभी तुमने जो परिमाप बताया था जी, उसमें 3 कितनी बार आया था? 2 बार। 2 बार धन 2 कितनी बार आया था? 2 बार। 2 बार इसमें उभयनिष्ठ क्या है? 2। 2 को हमने कोष्ठक से बाहर ले लिया, ठीक है। 3 कोष्ठक के अंदर 3 धन 2 बराबर 2 10, ठीक है। यहाँ पर 3 क्या था? 3 सेंटीमीटर क्या था? किलो उस हाँ आयत की लंबाई। परिमाप बराबर 3 क्या था? आयत की लंबाई। और 2 सेंटीमीटर क्या था? आयत की चौड़ाई। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या हुआ? 2 गुणे कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। अच्छा माना किसी आयत की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है जी। अब इसका परिमाप बताओगे? जी दीदी बताओ। परिमाप बराबर 2 हाँ कोष्ठक के अंदर 5 5 धन 4 बराबर 2 गुणा 9 बराबर 14 18 सेंटीमीटर। हाँ अब बताओ ये परिमाप कैसे निकाला? सूत्र की सहायता से जी, कितनी आसानी से निकल गया जी दीदी। और तुम पहले कैसे निकालते थे? हम तो पहले जोड़ के निकालते थे। तो ये आसान तरीका है ना? जी दीदी। अच्छा अब इसी तरह हम एक सवाल लेते हैं, ठीक है जी। ये एक घास का मैदान है। अच्छा जी दीदी। इसके बीच में एक फव्वारा लगा हुआ है, ठीक है जी। ये फव्वारा 4 मीटर तक पानी फेंकता है चारों। तो ये क्या इसका आकार क्या बनेगा? इसका आकार वृत्ताकार बनेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्षेत्रफल बराबर पाई इनटू त्रिज्या का वो अंश वर्ग है ना। और यहाँ पे त्रिज्या क्या थी? 4 मीटर है ना जी। अब हमने जो हमें मान ज्ञात है उसे हम सूत्र में रखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर पाई गुणे 4 का वर्ग बराबर पाई गुणे 4 का वर्ग कितना हुआ? 18। 4 गुणे 4 16। पाई गुणे 16 तो क्षेत्रफल कितना हुआ? 16 पाई
वर्ग मीटर। आया समझ में? अब तुम्हें सूत्र के बारे में पता चल गया? जी दीदी। सूत्र की सहायता से कोई भी अज्ञात राशि को ज्ञात कर सकते हो? जी दीदी। अच्छा, अब सूत्र से जुड़े हुए एक शब्द फलन को तुमने सुना होगा? जी दीदी। है ना? जी। आज मैं तुम्हें अब उसके बारे में भी कुछ बताऊंगी। जी दीदी। अच्छा, किसी व्रत की परिधि का क्या सूत्र होता है? परिधि बराबर, परिधि बराबर दो गुणे पाई गुणे त्रिज्या, है ना? अब हम अगर हम त्रिज्या का के मान में परिवर्तन करेंगे तो परिधि के मान में भी अपने आप परिवर्तन होता जाएगा, है ना? जी दीदी। अगर त्रिज्या बराबर लेते हैं 1 सेंटीमीटर तो परिधि क्या आएगी? 2 सेंटीमीटर। परिधि बराबर 2 गुणे पाई गुणे 1 बराबर 2 पाई। अगर हम त्रिज्या लेते हैं 2 सेंटीमीटर तो परिधि क्या आएगी? परिधि 2 गुणे पाई गुणे 2 यानी बराबर 4 पाई सेंटीमीटर। इसी प्रकार यदि हम त्रिज्या लेते हैं 3 सेंटीमीटर तो परिधि क्या आएगी? 2 गुणे पाई गुणे 3 बराबर 6 पाई सेंटीमीटर। देखो, अब मैं तुम्हें तालिका की सहायता से बताती हूँ कि फलन क्या है। ये त्रिज्या है और ये परिधि। अभी अभी जैसे तुमने देखा है कि प्रत्येक परिवर्तित त्रिज्या के लिए परिधि का मान भी परिवर्तित हो रहा है, ठीक है? अगर त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो परिधि क्या होगी? 2 पाई। और अगर त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होगी? 4 पाई। और अगर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होगी? 6 पाई। अच्छा, और अगर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होगी? 8 पाई। अब देखा है ना तुमने कि जब जब त्रिज्या बदल रही है तो परिधि अपने आप बदल रही है। अगर हम परिधि को पासे और त्रिज्या को तासे प्रदर्शित करें तो हम कह सकते हैं कि पा ता का फलन है, ठीक है? पा ता का फलन है, मतलब कि त्रिज्या जितनी बार हम त्रिज्या बदलेंगे उतनी बार परिधि अपने आप बदलती जाएगी। तो तुम्हें सूत्र और फलन के बारे में पता चल गया? जी।